अनुसूचित मोर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया प्रथम बार पहुंचे मथुरा। मथुरा भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, प्रदेश महामंत्री रामलखन, प्रदेश मंत्री बहन नीरज गौतम, ब्रज क्षेत्र मंत्री एवं आगरा के पूर्व मेयर इंद्रजीत आर्या आगामी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं से मीटिंग के लिए मथुरा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रथम बार मथुरा आवागमन पर सभी कार्यकर्ताओं ने वृंदावन पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष का पटका दुपट्टा एवं फूलमाला पहनाकर जोशीला स्वागत किया। यहां से वो पूर्व विधायक श्याम सिंह अहेरिया जी के निज कार्यालय पहुंचे। उसके बाद गोवर्धन के पास एक निजी होटल में सभी मथुरा के कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। मीटिंग समाप्त होने के बाद वे श्री बांके बिहारी दर्शन के लिए निकल गए। मथुरा प्रथम बार आगमन पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि मैं पहली बार मथुरा आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आप लोगों एवं हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर। आप लोगों के ही सहयोग से प्रदेश में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले तथा हमारे आदरणीय आदर्श नेताजी नरेंद्र मोदी एवं योगी जी के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को आवास मिल रहे हैं, स्वच्छता भारत अभियान के शौचालय मिल रहे हैं, बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं को समय से पेंशन मिल रही है। मथुरा आने का मेरा मुख्य उद्देश्य था, हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चलेगा और उससे संबंधित कार्यकर्ताओं से तैयारियों से संबंध हम आए हैं। बताइए मथुरा पहुंचे 1 दिवसीय दौरे पे क्या कार्यक्रम रहा और किस तरह देख रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं और पार्टी के साथ बैठक हुई या क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की 3 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम है जी। इस दिन आज मेरा वृंदावन आना हुआ और यहाँ 3 दिन हम रह करके अनुसूचित समाज को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के विषय में बताना है और आने वाला 24 का चुनाव में ध्यान में रखते हुए अनुसूचित समाज को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लाभ दिया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम अनुसूचित समाज ने किया है जी, जो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की उसमें और कितनी वृद्धि हो उसको लेकर के हम इस ब्रज क्षेत्र में प्रशिक्षण करने जा रहे हैं 3 दिवसीय और उस प्रशिक्षण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज मेरा यहाँ 1 दिन का प्रवास है जी। ये बताइए अध्यक्ष जी, मतलब कि लगातार मथुरा भ्रमण कर रहे हैं, सर जिले में भ्रमण कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए क्या कहना चाहो, क्या संदेश देना चाहो? अभी भी जो वंचित है, अभी वंचित रह रहे की योजना को लेकर जो योजना चल रही है सरकार, केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से चल रही है अनुसूचित जाति के लिए, अभी वंचित है अभी, तो क्या कहना चाहोगे? मैं आप सबको विदित हो और नॉलेज में होना चाहिए कि 14 के बाद से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था एकाग्र मानववाद, अर्थात जो इस विकास के मुख्य धारा से वंचित रह गया, जो पीछे रह गया, और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो शोषित पीड़ित समाज है जी, उसको मुझे उन्होंने कहा था कि दरिद्र नारायण मान करके मुझको उसकी सेवा करना है। तो दोनों लोगों का मकसद जो था एक था कि जो समाज के जो विकास के मुख्य धारा से वंचित रहा है उस समाज के लिए मुझे काम करना है और 14 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में निरंतर इनको लाभ देने का काम किया जा रहा है, चाहे वो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, और चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसान बीमा योजना हो, ऐसे अनेकों प्रकार के जो योजनाओं का लाभ देने का काम है, निरंतर हम उस योजना को जमीन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता एक सेतु का काम कर रहे हैं। योजनाएं ऊपर से आती है, उसका इम्प्लीमेंट कराना हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। आप सबके सहयोग से, मीडिया के बंधुओं के सहयोग से इन योजनाओं का जो